कहीं सब छोटी मोटी घटना होती है, छोटी मोटी घटना है। और जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम इस केस की मॉनिटरिंग खुद करें, और हम चाहेंगे कि सरकार एसपीडी ट्रायल करे, इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है और ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से सवालों का बौछार किया जा रहा है। देखिए, सवाल उठना भी लाजमी है। बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और अब विधायक के प्रतिनिधि भी खूब गोलियां चला रहे हैं। देखिए, घटना अत्री ब्लॉक की है, गया की है। देखिए, अजय यादव पहली बार सदन पहुंचे मनोरमा देवी को हराकर। मनोरमा देवी स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है, एक नामचीन चेहरा रहे हैं बिंदी यादव, स्वर्गीय बिंदी यादव, और लगातार कहीं ना कहीं लोगों के बीच रहे हैं। उनकी पत्नी मनोरमा देवी को हराकर सदन पहुंचे और विधायक अजय यादव के प्रतिनिधि अब धाएं धाएं गोलियां चला रहे हैं। बालू का चलान ना काटने पर ऑफिस में घुसकर डेटा ऑपरेटर को ठोक डाला। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी मुलाकात करने गए, शोकगुल परिजनों से मुलाकात की, और तमाम परिजनों का यह कहना है कि जब विधायक जी से ये तमाम बातें बताई गई तो उन्होंने कहा कि ऐसी छोटी मोटी घटनाएं घटती रहती है। सबसे पहले आप जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को सुनिए किस तरीके से तमाम परिजनों से मुलाकात उन्होंने की है। 50,000 रुपये का आर्थिक मदद भी शोकगुल परिजन को किया है उन्होंने तत्काल, और क्या कुछ करें सबसे पहले आप वो सुनिए। क्रिमिनल को प्रोटेक्ट मत करिए और गलत को गलत कहिए तो समाज का रिश्ता बना रहेगा। जिस जात का मर्डर हुआ उस जात के लोग एक दिन आ गए, और जिस जाति के लोगों ने मारा उस जात के लोग दूर हो गए, वो मेला देखने आ गए। सर, विकास हत्यारा की गिरफ्तारी के लिए क्या करेंगे आपको क्या लगता है? बिना सबसे बातें करे हम चलते हैं क्या? आपके सामने एसपी से बातचीत नहीं हुई, मैंने नहीं कहा कि आप एक सप्ताह के अंदर बुलडोजर से पूरा घर तोड़ दीजिए, ढा दीजिए, लेकिन भैया वो सर विकास अपने अरे सुनिए सर, पत्रकार जी बड़का नेता हो जाएगा, देखिएगा ना। आज हम आपको कह के जा रहे हैं यही समाज बड़का नेता बना देगा अपराध। यदि स्पीडी ट्रायल होकर के सजा नहीं हुई और जिस तरीके से चार्जशीट में लोग निकल जाते हैं और कोर्ट बेल दे देती है, तो आप देखिए 400-500 मोटरसाइकिल आगे आगे है, 50 गाड़ी चलेगा। ये आप हमको खाएगा पड़ा रहे भाई, हम बेकार है ना, अमेरिका से आए हम बिहार में, सब भांग झील रहे 13 साल की उम्र से। अभी एक बच्ची का बलात्कार करके मार दिया, 7 दिन के बाद मिला। कौन बाबरगंज, कौन बांके बाजार। अब बांके बाजार में एक बच्ची का 7 दिन के बाद मिलता है तो जरूरत ही नहीं होगी। हम इस इशू पर सीएम साहब से भी बात करें, ये मैं आपको बता दूं, डीआईजी साहब से भी बात करें, और जब तक हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम इस केस की मॉनिटरिंग खुद करें, और हम चाहेंगे कि सरकार एसपीडी ट्रायल करे, इस परिवार को 20 लाख रुपया मुआवजा दे किसी भी कीमत पर। हम अपनी पार्टी की ओर से हमारे नेता कन्हैया जी आएंगे, हमारे नेता जिला परिषद है, युवा अध्यक्ष है, युवा शक्ति अध्यक्ष है, तत्काल इस परिवार को 50,000 रुपया हमारे तरफ से मिलेगा और बच्ची के नाम से 50,000 रुपया हम अकाउंट में जमा करेंगे, विकास की बहन के नाम से। जी आप क्या नाम है जो उसका? बेफिक्र रहें, जितनी मदद हो सकती हो हमारे तरफ से इस परिवार की। उसे बालू आता था वहाँ साइड पर स्टॉक से उठने लगा, मना कर दिया वहाँ से नहीं देंगे, उसके बाद वो नहीं दिया। पहले तो उसका ड्राइवर फोन किया, जब नहीं दिया तो वो अपने गया,
गया कि दो, नहीं दिया तो उसको घींच के लाने लगा, नहीं आया, हल्का फल्का उठा पटक भी। ठीक है, चलिए व्यापारी से एक महीना पहले सर चौतर के व्यापारी का चौतर के बिजनेसमैन व्यापारी जो है आ जाएगा, आ जाएंगे, एक व्यापारी को मारपीट किया, उसका काउंटर शाखा खोला, उसका पूरा औकात नहीं हुआ कि उसको केस अंत में जानते क्या कहा गया अंतरिम में जी नहीं चौतर में जानते हैं हम खुद जानते हैं क्या बोला कि अति मीटिंग होगा उसमें भूमिहार लोग कोई नहीं रहेगा। दो पार्ट में बाजार है, एक पार्ट में रास्ता तो जरूर है कि रास्ता निकालता है कि उसका जो मुआवजा दिया जाए जो उसका छुट्टी हुआ है। विधायक जी सामने कोई दूसरा कोई जरा मैंने बोल विधायक जी गए कहे सब छोटी मोटी घटना होते हैं, विधायक जी छोटी मोटी घटना है ये बोल विधायक। तो आपने सुना, देखिए अजय यादव पहली बार सदन पहुंचे हैं और मनोरमा देवी को हरा कर वो पहली बार सदन पहुंचे। मनोरमा देवी गया के दिग्गज नेता स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है, उन्हें हराया था, मनोरमा देवी को हराया था अजय यादव ने और सदन पहुंचे थे। और जिस तरीके से अजय यादव विधायक अजय यादव के प्रतिनिधि ने ही डेटा ऑपरेटर को उसके ऑफिस में घुसकर गोली मारा, उसके बाद कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए पप्पू यादव भी मुलाकात करने पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है आपने बाखूबी सुना है, मगर सवाल यह है कि बिहार में लगातार जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही हैं और अब तो विधायक के प्रतिनिधि भी धाएं धाएं गोलियां चलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बालू का चलान ना काटने पर डाटा ऑपरेटर को गोली से मौत के घाट उतार दिया गया, गोली मार दिया गया। ऐसे में अब देखने वाली बात यह है कि सुशासन की सरकार में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है। खैर लाइफ स्टीज के साथ बने रहे, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर ले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।